हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी टाइम ओनली। स्टडी टाइम ओनली में आपका स्वागत है। एंड डे टुडे इज़ डे 40 ऑफ एनवायरनमेंट सीरीज़। तो IAS 2020 टारगेट प्रीलिम्स इन 100 डे क्रेश कोर्स में हमारा डे 40 है और हम इसे फटाफट ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज हम देखने वाले हैं प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क इन इंडिया। देखिए छोटा सा लेक्चर है, आज आपको फटाफट इसको देख लेना है। और जैसे हमारे पास टाइम वैसे भी कम रह गया है तो हम अब कोशिश करेंगे कि पर डे जो है हम दो लेक्चर लेके आए, है ना। तो देखिए जैसा भी हो पाता है तो मैं कोशिश करता हूँ और आपका जल्दी से जल्दी जो कोर्स है इसको निपटाने की भी कोशिश करता हूँ, ठीक है। सो विदाउट एनी डिले हम कोर्स को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क के बारे में सबसे पहले इंडिया में बता देता हूँ क्या होता है, कैसे होता है। सिंपल सी चीज़ है, जो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क है मतलब एक तरीके से कुछ एरिया को प्रोटेक्ट करके रखा गया। इंडिया इज़ वन ऑफ द 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। जैसा कि हमें जानते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन है आप नोट डाउन कर लीजिए, जिसमें से 2.4% ऑफ द वर्ल्ड लैंड हमारे पास है, ठीक है, इंडिया के पास, ठीक है। 16.7% ऑफ द वर्ल्ड ह्यूमन पॉपुलेशन जो है हमारे पास है। देन 18 लाइव स्टॉक जो है हमारे पास है, ठीक है। तो ये आप देख सकते, कंट्रीब्यूट 8% ऑफ द नॉन ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हम जो है कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इस हिसाब से जो हो गई, जो कंट्रीज के अंदर इतना डाइवर्सिटी हमें हमारे यहाँ जो देखने को मिलती है और इतनी सारी चीज़ें जो देखने को मिलती है, इसलिए प्रोटेक्टेड एरिया की हम बात करने जा रहे हैं इसमें, ठीक है। कि बहुत सारी चीज़ें हैं, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी खासी है हमारे पास, 8% है, 18% लाइव स्टॉक है, ठीक है। इंडिया इज होम ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट वाइल्ड टाइगर्स पॉपुलेशन एंड हैज गॉट अ यूनिक असेंबली ग्लोबल इंपॉर्टेंस इंडेंजर्ड स्पीसीज लाइक एशियाटिक लुवियन, एशियन एलिफेंट, वन हॉर्न राइनो, गंगेटिक रिवर, डॉल्फिन, स्नो लेपर्ड, कश्मीर स्टैग, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे जीव जंतु जानवर हैं जो बायोडाइवर्सिटी है, जो कि इंडेंजर्ड की कैटेगरी में है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में है, तो उनके लिए प्रोटेक्शन जो हो जाता है इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसलिए हम जो है इंडिया के अंदर, बल्कि हर देश के अंदर लगभग लगभग होता है जहाँ पे भी ये चीज़ें होती हैं, तो हम मेनली यहाँ पे इंडिया की बात करेंगे। तो इंडिया के अंदर ये सारी चीज़ें यहाँ पे लेके आई गई है कि किस तरीके से हम एरिया को प्रोटेक्ट करेंगे, नेटवर्क को हमारे, और क्या क्या चीज़ें हम लेके आए हैं, ठीक है। तो इसमें जो फ्री फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है आप नोट डाउन कर लीजिए कि नेशनल बोर्ड ऑफ फॉर वाइल्ड लाइफ NBWL, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बॉडी आपको याद होनी चाहिए। कौन चेयर करता है? प्राइम मिनिस्टर चेयर करता है। देखिए वो बॉडी जो जिसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि ये कौन सी बॉडी है, क्या ये बॉडी को चेयरमैन होम मिनिस्टर करते हैं, प्राइम मिनिस्टर करते हैं, ये कुछ इस तरीके से जो भी रिलेटेड मिनिस्ट्री है उससे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये जो है इनके चेयरमैन कौन करते हैं, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के प्राइम मिनिस्टर, तो ये आपको याद रखना है। ये जो भी पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाती है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ऑफ कंट्री से रिलेटेड, ठीक है। तो पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाने जो है, जो भी कंजर्वेशन ऑफ कंट्री से रिलेटेड है, वाइल्ड लाइफ की जो कंजर्व करने से रिलेटेड है, सारी चीज़ें करती है, ठीक है। देन हमारा आता है नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2002 से 2016 तक, ठीक है। अडोप्टेड इन 2002 में हमने नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान को अडोप्ट किया था, ठीक है, जिसमें द पीपल पार्टिसिपेशन एंड देयर सपोर्ट फॉर द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो यहाँ पे पीपल्स का पार्टिसिपेशन देखा गया था, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन देखा गया था, तो ये सारी चीज़ें जो है हमने देखी थी और देखा था, ठीक है। इंडिया कंजर्वेशन प्लानिंग इज बेस्ड ऑन द फिलोसफी ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड प्रोटेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव वाइल्ड वाइल्ड हैबिटेट अक्रॉस ऑल द इको सिस्टम, ठीक है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है कि हर इको सिस्टम में हम प्रोटेक्ट करने की यहाँ पे बात करे जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सब्जेक्ट है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ, जो है फॉरेस्ट सब्जेक्ट ही, वो कहाँ पे मेंशन है, हमारे कंकरेंट लिस्ट के अंदर ये सारी चीज़ें क्या है मेंशन है, मतलब स्टेट भी इसके ऊपर लॉ बना सकता है और हमारा सेंटर भी इसके ऊपर लॉ बना सकता है। तो ये चीज़ आपको दोनों ही याद रखनी है कहाँ पे है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। हम कुछ और देख लेते हैं फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। नेटवर्क जो हमारा 662 प्रोटेक्टेड एरिया है इस्टेब्लिश किया गया, एक्सटेंडेड ओवर द, ये कुछ एरिया दिया गया है, ठीक है। दैट इज़ द 4.83 टोटल ज्योग्राफिकल एरिया जो हमारे इंडिया के पास है उसका, ठीक है। इसके अंदर कितने हैं, 104 नेशनल पार्क है हमारे, ठीक
ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। 551 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, लेकिन इन सब के नाम तो आप याद रख नहीं सकते, क्योंकि 104 नेशनल पार्क के नाम याद रखना, फिर 551 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम याद रखना, तो बहुत ही बड़ी बात है, आप याद नहीं रख सकते थे। तो आपको हम वही चीज़ें डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो एग्जाम परस्पेक्टिव से जो भी नेशनल पार्क है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ऐसा लगता है कि वो न्यूज़ में रहा है या कुछ इस वजह से, तो हम उसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। कुछ जैसे टाइगर रिजर्व है हमारे पास, एलिफेंट रिजर्व है, ठीक है, डिजाइन किया गया स्पेसिफिक मैनेजमेंट ऑफ टाइगर एंड एलिफेंट हैबिटेट के लिए, ठीक है। यूनेस्को ने डिजाइनेटेड 5 प्रोटेक्टेड एरिया एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, हमारे यहाँ जो 5 प्रोटेक्टेड एरिया है उसे WHS का दर्जा दिया गया है यूनेस्को के द्वारा, ठीक है, WHS वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। जो हमें प्रोटेक्टेड एरिया है, हमने 4 कैटेगरी में प्रोटेक्टेड एरिया को डिवाइड किया है। पहला हो गया नेशनल पार्क, सेकंड हो गया सेंचुरीज, थर्ड हो गया कंजर्वेशन रिजर्व हो गया, ठीक है, फोर्थ हो गया कम्युनिटी रिजर्व, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, नेशनल पार्क, सेंचुरी, कंजर्वेशन रिजर्व एंड कम्युनिटी रिजर्व, ठीक है। आगे चलते हैं, हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड हम बात करते हैं, क्या होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कैसा क्या रहता है, ठीक है। देखिए, सेंचुरी इज एन एरिया, क्या है ये, एक एरिया है कॉम्प्राइज विथ इन एनी रिजर्व फॉरेस्ट और द टेरिटोरियल वाटर विच इज ऑफ एडिक्वेट इकोलॉजिकल फॉनल फोरल जो जियो मॉर्फोलॉजिकल नेचुरल जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। ऐसा एरिया, सपोज ये पर्टिकुलर कोई सा एरिया है, ठीक है, इस एरिया के अंदर बहुत ही जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस देखने को मिल गया है, ठीक है, जियो मॉर्फोलॉजिकल नेचुरल फ्लोरल फॉनल, ठीक है, इस तरीके से अगर कुछ सिग्निफिकेंस देखने को मिलता है तो उसे हम सेंचुरी डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। सेंचुरी जो है इज डिक्लेयर फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग, प्रोपोगेटिंग, डेवलपिंग वाइल्ड लाइफ एंड इन्वायरमेंट, हमारे वाइल्ड लाइफ और इन्वायरमेंट को बढ़ाने के लिए, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, हम किसी भी एरिया को जो ऐसा लगता है, जो एरिया हमें ऐसा लगता है उस एरिया को हम ये डिक्लेयर कर देते हैं सेंचुरी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल पार्क की, इट इज एन एरिया विद इन अ सेंचुरी, देखिए सेंचुरी बड़ा होता है इसके अंदर फिर नेशनल पार्क आता है, ठीक है। तो ये हमारा सपोज सेंचुरी हो गया, तो इसके अंदर सपोज ये नेशनल पार्क हो गया, ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। तो एरिया विद इन सेंचुरी और आउटसाइड हैविंग हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि सेंचुरी के अंदर ही नेशनल पार्क आए, नेशनल पार्क अलग से भी आ सकता है, ठीक है ना, तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। नाउ हम देख लेते पहले तो डेफिनेशन नेशनल पार्क की, तो सेंचुरी आउटसाइड हैविंग एडिक्वेट इकोलॉजिकल फ्लोरल फनर जियो मॉर्फोलॉजिकल नेचुरल और जियोलॉजिकल जिसके पास सिग्निफिकेंस है उसे डिक्लेयर कर देते हैं नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, आगे हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से नेशनल पार्क है, ठीक है। और देखिए कुछ डिफरेंस देख लेंगे, डिफरेंस बिटवीन सेंचुरी एंड नेशनल पार्क मेनली लाइज द वेस्टिंग ऑफ राइट्स ऑफ द पीपल लिविंग इनसाइड, तो कुछ राइट्स होते हैं पीपल्स के, वो अलग अलग हो जाते हैं सेंचुरी और नेशनल पार्क में, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है। दोनों के अंदर बीच का जो डिफरेंस है वही छोटा सा डिफरेंस, देखिए दोनों की डेफिनेशन लगभग लगभग सेम है, ठीक है। सेंचुरी थोड़ा सा बड़ा एरिया होता है, नेशनल पार्क थोड़ा सा सेंचुरी से छोटा आप कह सकते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा याद रखना। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क इन इंडिया, अब हम कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करेंगे, कुछ नेशनल पार्क की बात करेंगे, ठीक है। जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की अगर हम बात करते हैं, सेट टू बी द इंडिया मोस्ट ब्यूटीफुल वाइल्ड लाइफ रिजर्व है, ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कब स्टैब्लिश हुआ था, 1936 में, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा पूछा भी जा चुका है, हो सकता है आगे पूछा भी जाए जाए जाए, ठीक है। ये कहाँ पे है, फुटहिल्स ऑफ हिमालय, दैट इज इन उत्तराखंड के अंदर है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, उत्तराखंड के अंदर हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ठीक है। ये जो इसका जो एरिया है ये क्या कहाँ तक स्प्रेड है, नेशनल पार्क इज स्प्रेड ओवर द एरिया ऑफ 1318 स्क्वायर किलोमीटर, 1318.54 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। होम टू रिच इकोसिस्टम इन जिम कॉर्बेट कंसिस्टिंग ऑफ रोलिंग ग्रासलैंड इंटर स्प्रेड विद रिवर एंड वैली, ठीक है। तो इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे जैसे बंगाल टाइगर इंडेंजर्ड स्पीसीज जो हमारा है, बंगाल टाइगर ये इसके अंदर है, ठीक है। इसे बहुत सारी चीज़ों का होम है ये, ठीक है, जो भी इस तरीके से प्लांट्स वगैरह और डिफरेंट टाइप के स्पीसीज हो गए, प्लांट्स हो गए, तो ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। ये देखिए मैप में आप एक बार देख सकते हैं कहाँ पे है, ठीक है। तो ये हमारा ये उत्तराखंड वाला एरिया हो गया, और उत्तराखंड में ये देखिए ये हो गया हमारा कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, ये देखिए कॉर्बेट नेशनल पार्क है,
तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि बाउंड्री भी लगता है, यहाँ से नेपाल उत्तराखंड से टच होता है और यहाँ पे चाइना टच होता है उत्तराखंड से, ठीक है। जिस तरीके से आप चीज़ों को पढ़ते हुए चले आगे, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात करते हैं। हमने नेशनल पार्क से डिस्कस किया, अब हम डिस्कस कर रहे हैं पेरियार नेशनल जो है सेंचुरी क्या है। ये देखिए यहाँ पे आपको फोटो भी आप देख सकते हैं, ये हमारा पेरियार नेशनल पार्क भी है, ठीक है। ये तिरुवनंतपुरम है, ठीक है, तो केरला का साइड है। तो सिचुएटेड माइटली वेस्टर्न घाट के अंदर पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है सिचुएटेड है, ठीक है। इज सेट टू बी द हेवन फॉर नेचर लवर, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि ये एक तरीके का स्वर्ग है, जिन्हें नेचर से प्यार है तो नेचर लवर के लिए एक स्वर्ग है। इतना सुंदर पिक्चराइजेशन है इसका, इतने सुंदर ये इसके जो चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं, ठीक है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर एनिमल जो इसके अंदर पाए जाते हैं, इंडेंजर्ड स्पीशीज बहुत ज़्यादा कंट्रीज के पाए जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल जगह है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। कुछ वाइल्ड लाइफ अट्रैक्शन की अगर हम बात करते हैं, जैसे बार्किंग डियर हो गया, ठीक है, डोल हो गया, ठीक है, और इंडियन वाइल्ड डॉग आप कह सकते हैं, डियर हो गया, माउस हो गया, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा रेयरली है वो यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, मेनली याद रखना है ये कहाँ पे है, ठीक है। तो वो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो ये आपको देखिए मैप में भी आपको दिखा दी है, ये हो गया इरानकुलम हो गया, कोट्टायम हो गया, ठीक है। तो छोटी छोटी सिटीज आपसे इस तरीके से पूछी आ सकती है। मेन तिरुवनंतपुरम के पास में हमारा ये पेरियार नेशनल पार्क है, ठीक है, और पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यही है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम चलते हैं गिर नेशनल पार्क की बात करते हैं, जो कि 1412 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ, ठीक है। गिर नेशनल पार्क जैसे ऐसे जिर से, जी से आप समझ आ रहा है कि जिसे कोस किस स्टेट का नाम स्टार्ट होता है, ठीक है। तो गिर नेशनल पार्क लाइज इन द गुजरात, ठीक है, जी से गुजरात है, तो गिर नेशनल पार्क इज G4G, इस तरीके से आप याद रखिएगा, गिर मतलब गुजरात, ठीक है, तो आपको याद रहेगा। तो गिर नेशनल पार्क कहाँ पे है, गुजरात में, पेनिनसुलर रीजन ऑफ इंडिया, नोन टू बी द ओनली हैबिटेट ऑफ द वर्ल्ड नॉर्थ एशियाटिक लोन, तो सिर्फ एशियाटिक लोन हमारे यहीं पे रहते हैं, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। दिस वाइल्ड लाइफ रिजर्व इन द वेस्टर्न इंडिया इन एवरी नेचर लवर ड्रीम, ठीक है। तो वेस्टर्न इंडिया में रहे, और जितने भी इसके अंदर भी बहुत अच्छे जो है फॉरेस्ट ट्रीज ये सारी चीज़ जो है इसके देखी जाती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा बहुत ही अच्छी जगह है। अगर आपको कभी मौका मिले तो आप ज़रूर जाइएगा, ऐसी जगह में जाना सही रहता है, ठीक है। आपको मैप के अंदर अगर मैं दिखा दूँ, ये देखिए हमारा प्यारा भारत है, ये राजस्थान है, ठीक है, ये हरियाणा है, पंजाब है, ये मध्य प्रदेश है, ये गुजरात है, ठीक है। अब गुजरात ये पाकिस्तान से लगता है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे कोस्टल एरिया में ये हमारा जो हो गया गिर नेशनल पार्क है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट हम बात करते हैं सरिस्का नेशनल पार्क की। देखिए ये कहाँ पे है, अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान पे सिचुएटेड है, तो ये आपको याद रखना है। सबसे पहली बात उसकी लोकेशन, जितने भी नेशनल पार्क हम डिस्कस कर रहे हैं मेनली इसकी लोकेशन ही पूछी जाती है, ठीक है। और कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, तो वो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। दो चीज से ज्यादा, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा कि आप बिल्कुल डीप में घुसिए, ठीक है। 800 स्क्वायर किलोमीटर वास्ट ग्रीन जो है फैला हुआ है, ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लेपर्ड्स हो गया, लंगूर हो गए, ठीक है, जंगल केट हो गया, फोर हॉर्न एंटीलोप हो गया, ठीक है। तो ये जो है जो बता रहा हूँ ना, एनिमल जो हो गए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इस तरीके से ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं सुंदरबन नेशनल पार्क की बात करते हैं। जैसे आप सभी लोग जानते होंगे सुंदरबन नेशनल पार्क के बारे में, सिंपल चीज़ है, ये हमारा सुंदरबन नेशनल पार्क है। ये कुछ इसका, ये देखिए यहाँ से ये बाउंड्री लगी हुई है, ये हमारा इंडिया है, वेस्ट बंगाल का, ठीक है, एरिया, और ये बांग्लादेश है। तो सुंदरबन नेशनल जो पार्क है दोनों एरिया में डिवाइड है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है, कि सुंदरबन जो नेशनल पार्क है हमारा, तो वो क्या है, दो पार्ट में डिवाइड है, एक बांग्लादेश की तरफ भी है और यहाँ पे भी, इंडिया में भी, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सुंदरबन नेशनल पार्क, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है यहाँ पे, ठीक है। क्राउन ऑफ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, इसे क्राउन ऑफ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा जो है इंडिया, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है वो सुंदरबन डेल्टा ही है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे याद रखनी है। इंडिया स्प्रेड ओवर द 4,264 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट WHS के अंदर भी इसको स्थान किया गया है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। द सुंदरबन ईस्टर्न इंडिया नोन एज द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन द कंट्री, ठीक है। तो सुंदरबन जो ईस्टर्न इंडिया है वो
लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है हमारी कंट्री का, तो ये चीज़ भी याद रखना है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे एनिमल्स जैसे पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे जंगल कैट, फ्लाइंग फॉक्स, चीता, वाइल्ड बूर, पेंगोलिन, तो ये सारी चीज़ें जो छोटी छोटी, बंगाल टाइगर हो गया, रॉयल बंगाल जो टाइगर हो गया, ठीक है, तो सारी चीज़ पाई जाती है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं रणथंभौर नेशनल पार्क, ठीक है। रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ पे है, देखिए नाम से समझ में आ रहा है, रणथंभौर नेशनल पार्क मतलब रा, मतलब रा, जिसे हमने गिर नेशनल पार्क देखा था गुजरात, यहाँ पर राजस्थान से रा, तो ये आप याद रखिएगा, आर ए राजस्थान का दो वर्ड यहाँ का उठा लीजिए, राजस्थान का, और दो वर्ड रणथंभौर नेशनल पार्क का उठा लीजिए, आपको याद हो जाएगा कहाँ का है ये, रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान का, ठीक है, सिंपल चीज है, ठीक है, आप लिंक करते हुए चलेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इंडिया, रणथंभौर नेशनल पार्क नीड डेफिनेट मेंशन, रैंक एज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट रेपुटेटेड नेशनल पार्क इन नॉर्थ इंडिया, दिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड इन राजस्थान, जिसे हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो यही चीज़ इसके अंदर इंपॉर्टेंट रहती है, जो एनिमल्स होते देख रहे थे, सांबर हिरन, स्लोथ बियर, लापॉट, नीलगाय, ढोल, ठीक है, लॉर्ड्स मॉफ मैनी, और बहुत सारे जो है इसे देखने को मिलता है, ठीक है। और इसका जो एरिया है 1,334 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं कंजर्वेशन रिजर्व एंड कम्युनिटी रिजर्व, हमने बात की थी कंजर्वेशन रिजर्व क्या होता है, कम्युनिटी रिजर्व क्या होता है, ठीक है, अब तो वो सब चीज़ मैं समझा देता हूँ। जब प्रोटेक्टेड एरिया की बात कर रहे हैं, हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर ली, हमने नेशनल पार्क की बात कर ली, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कंजर्वेशन रिजर्व क्या होता है और कम्युनिटी रिजर्व क्या होता है, ठीक है। कंजर्वेशन रिजर्व की अगर मैं बात करता हूँ, तो कंजर्वेशन रिजर्व एंड कम्युनिटी रिजर्व इन इंडिया आर टर्म डिनोटिंग प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ इंडिया व्हिच टाइपिकली एक्ट एज अ बफर जोन, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है वर्ड बफर जोन, ठीक है, टू टू और कनेक्टर्स और माइग्रेटर कॉरिडोर बिटवीन एस्टैब्लिशिंग एस्टैब्लिश नेशनल पार्क, ठीक है, तो एस्टैब्लिश नेशनल पार्क के अंदर, ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ऑफ फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, तो जो भी स्टेब्लिश नेशनल पार्क है उसके बीच जो कॉरिडोर एक तरीके से समझ लीजिए, सपोज ये पर्टिकुलर पहला है नेशनल पार्क, ये दूसरा नेशनल पार्क, एक हम कभी कभी कॉरिडोर बना जाते हैं या फिर कुछ आपस में जो लिंक कर रहे हैं, तो ये बफर जोन का काम करते हैं, तो इसको हम प्रोटेक्टेड की बात करते हैं, कंजर्व की बात करते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ छोटी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है आप लोगों के लिए, तो बस इसको जानने के लिए यही है कि आप इसके बारे में पता रखिए कहाँ क्या है, ठीक है। द प्रोटेक्टेड एरिया कैटेगरी द फर्स्ट इंट्रोड्यूस वाइल्ड, पहली बार जब इंट्रोड्यूस हुआ था अमेंडमेंट होके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में 2002 में, तो इसको अमेंड किया गया था किस, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को, तो उसके तहत ये चीज आया था, तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है, ठीक है। पॉइंट जैसे मेलाघाट टाइगर रिजर्व वेयर अ लार्ज एरिया लेफ्ट अनप्रोटेक्टेड ड्यू टू प्राइवेट ओनरशिप, तो कुछ प्राइवेट ओनरशिप की वजह से क्या हो रहा है, ये कुछ मेलाघाट जो टाइगर रिजर्व है यहाँ पे अनप्रोटेक्टेड है, तो कुछ इस तरीके से आप जो है इंफॉर्मेशन जो है एग्जाम्पल जो है लिख सकते हैं अपने आंसर में, ठीक है। अब इसके अंदर और देख लेते हैं, जैसे तिरुवादिन कंजर्वेशन रिजर्व करंट डिक्लेयर 14/5/2005 इज अ फर्स्ट कंजर्वेशन रिजर्व, ये हमारा पहला कंजर्वेशन रिजर्व है, ठीक है। इस्टेब्लिश इन द कंट्री, इट इज एन एफर्ट ऑफ अ विलेज कम्युनिटी हु वांटेड टू प्रोटेक्ट द बर्ड नेस्टिंग इन देयर विलेज, ऑब्वियसली होते जो लोग गांव के आसपास रह रहे हैं, उस एरिया के आसपास रहते हैं, तो कोई भी जो जानवर है, पक्षी पौधे, उनसे हमारा लगाव हो जाता है, तो वो जो हो गया वो उनका प्रोटेक्शन नहीं हो पाई थी, इसलिए ये लोग साथ में आए, कम्युनिटी एक साथ में आए, ठीक है, जैसे लोकल लेवल पे हम है जो है साथ में आए और हमने इस तरीके से काम किया और उसे प्रोटेक्टेड किया, ठीक है, 14 फरवरी 2005, तो ये चीज आप मेंशन कर सकते हैं आंसर के अंदर कहीं पे भी, ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आज का लेक्चर ये हमारे यहीं तक है, छोटा सा लेक्चर रहा है आज का, ठीक है, कैसा रहा लेक्चर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। देखिए हम फुल कोशिश करेंगे कि आपका जो सीरीज़ है, देखिए काफ़ी ज़्यादा डिले हो चुका है, ये भी मैं भी मानता हूँ इसको, तो हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हम डिस्कस करें और फटाफट कोशिश करें। देखिए अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करेंगे इसका और ज़्यादा से ज़्यादा बिल्कुल हर जगह फैलाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा कमेंट करेंगे, आप पार्टिसिपेट करेंगे, तो हमारा भी जो मोटिवेशन जो है वो बढ़ता रहेगा, तो हमें भी इस आप लोगों के कमेंट और आपके इन सारी चीज़ों से मोटिवेशन मिलता रहेगा, और हम भी कोशिश करेंगे और ज़्यादा आप लोगों की सीरीज़ और ज़्यादा वो सारी चीज़ों को लेके आने की, ठीक है। तो कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की, हर एक जगह फैलाने की, ठीक है,
और टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ जाइए बकायदा आप, ठीक है, आपका इसमें फ़ायदा है, ठीक है। और चैनल में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती, ठीक है। तो हम टेलीग्राम के अंदर भी ये चीज़ें पोस्ट कर दिया करते हैं, तो वहाँ पर भी आप जो है जा सकते हैं, ठीक है, ज्वाइन कर लिए। वहाँ पर PDF PPT सारी चीज़ें मैं शेयर कर दिया करूँगा, ठीक है। हम कोशिश करेंगे अब नेक्स्ट डे से कि हम 15 दिन लगभग, हम ये कोशिश करेंगे 15 दिन के अंदर हम आने वाले जो 30 लेक्चर हैं हमारे उसको कवर करें। जैसे 40 से 41 से हमने ऐसा प्लान बनाया है कि 40 डे नंबर 41 से लेकर जो 60 तक का होगा, 60 और 70 मान के चलिए आप, ठीक है, 30 दिन का, वो हम 15 डेज के अंदर अंदर हम कंप्लीट करेंगे। और रोज़ जो है हम 2 लेक्चर लाएंगे, पर डे जो है आपको 2 लेक्चर लाएंगे। तो बस आपका रिस्पॉन्स चाहिए, इसीलिए मैं थोड़ा सा डिले करके आपसे बात करना चाहता था कि अगर आप थोड़ा सा उसमें रिस्पॉन्स दिखाएंगे कि एक लेक्चर मैं सुबह और एक लेक्चर शाम को डालता हूँ, तो जिससे क्या हो आपको भी टाइम, एक सफिशियंट टाइम मिल पाए जिससे आप चीज़ों को रिवाइज कर पाएँ, ठीक है। और जल्दी जल्दी हमारा जो है जब आपका कवर हो जाएगा तो फिर हम MCQ की सीरीज लेके आएंगे फटाफट। लास्ट के जो होगा 10 से 15 दिन हमारे पास रहेंगे, और मैं आपका बिल्कुल निश्चिंत कर देता हूँ, श्योरिटी देता हूँ कि 15 दिन पहले प्रीलिम्स के मैं आपको कवर करवा दूंगा। और 15 डेज के अंदर सिर्फ हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स के, सिर्फ प्रीलिम्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपकी एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बिल्कुल लास्ट तक ये सारी चीज़ें आप शेयर करते रहिए हर एक जगह, लोगों को भी, और लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। बिल्कुल जहाँ जहाँ आप शेयर कर सकते हैं, जितना आपसे हो सकता है उतना आप पार्टिसिपेट करिए और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।